हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पाखी फैमिली व्लॉग। मेरे चैनल पर आप लोगों का मैं प्रिया बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और देखिए आपकी अनाया कितने अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे बैठी हुई खेल रही है। उसको थोड़ा बहुत खेल में लगाती हूँ और तब अपना काम करती हूँ। ऐसा कर लेती हूँ, जिस रूम में काम कर रही हूँ उस रूम में उसको बिठा लेती हूँ। अभी उसको बेड पर नहीं बिठाते हैं, अब वो बेड पर से गिर जाती है। 2-3 बार ऐसे वाकई हो चुके हैं कि वो बेड से नीचे गिर चुकी है, चोट लगती है काफ़ी, और इसीलिए मैंने अभी उसको नीचे बैठाना शुरू कर दिया है। अगर वॉकर में बैठाती हूँ तो वॉकर को बांधना पड़ता है, वरना इधर उधर जाती है। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा नीचा है तो वहाँ पे गिरने का डर लगता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। और 1 सेकेंड को भी इससे नज़रें नहीं हटाई जाती, पूरी नज़र मेरी इस पर रहती है। तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है पूरा दिन मुझे ना इधर उधर इसको भी बिठाना। और ये लड़की सोने का तो इसका कोई मतलब नहीं है, पता नहीं भगवान ने इसको नींद क्यों नहीं दी है। बच्चा सोता है, मैंने भी बहुत सुना है, मेरी पाखी खुद सोती थी, बस ये लड़की पता नहीं भगवान जाने क्या मतलब वो करके पैदा हुई है कि इसको नींद नहीं है। उसको बिठाया हुआ है, अब भगवान जी को भोग लगाना है, तो मैं जाती हूँ भी गोपाल जी को भोग लगाने के लिए। और अभी जो है मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया है ना, अभी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लगती है। मैं तो आज ही पहन रही हूँ बस गर्म कपड़े, अब मैं नहीं पहनूंगी, अब मैं अपने कॉटन के पहनना शुरू कर दूँ, क्योंकि जब बहुत ठंड होती है मैं तभी जो है ये गर्म कपड़े पहन पाती हूँ, वरना फिर ना मुझे खुजली होने लगती है। तो मैं अब तो अपने कॉटन की जो मेरे पास कुर्ती वगैरह है वही निकालूंगी, और इस गर्मियों में बड़े अच्छे अच्छे से अपने सूट बनवाऊंगी, मैंने सोचा है ये। और साथ के साथ मैं इसको भी देखती हूँ, काम भी करती हूँ, और साथ के साथ मैं अपना वीडियोस का भी काम मतलब साइड टू साइड करती रहती हूँ। इसी तरीके से मैं तो कभी कभी सोचती हूँ मुझे 2 नहीं 4 हाथ देता भगवान जी, क्योंकि चाहिए मुझे 4 हाथ। मुझे बहुत जल्दी जल्दी रहती है काम की, ये भी नहीं पड़ जाए वो भी नहीं पड़ जाए। मुझे ही नहीं, जितनी भी न्यू मॉम होती है ना सभी के साथ में टोटल यही सब करती हैं। जाएगी मेरी गुड़िया रानी, सो जाएगी। कहाँ है मेरी गुड़िया? इसको हटा दूँ? इसको हटा दूँ? चल हटा दिया, हटा दिया, वो हटा दिया, ये हटा दिया। ओ ये क्या कहा? नींद नहीं आ, नींद नहीं आ, चल सो जा सो जा। बच हो क्या बन गया ये? ये तो बंदर है। ये तो बंदर है। हाँ अच्छा कहाँ है बंदर? बंदर का मुंह ही मुंह है बस। ये तो तोता है। ये तोता है। हाँ, ये देखो ये बंदर है। बंदर की आंख है बस। देखो ये बंदर है। ये बंदर है। अब कौन सी लैंग्वेज बोलते हो? ये फारसी चाइनीज? आपके पास खिलौने भी हैं? किसके हैं ये? हाथ काय में हो रहा आपका, गंदा सा हो रहा। और बोलो 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 बोलो, धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे, मम्मी को समझ नहीं आता। अच्छा जी, नहीं इन इनको इनको सर्कल को सारों को सही लगाना होता है, गोल गोल है ना ये, इनको सही सही लगाओ। धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे। ये बंदर है, बंदर। हाँ इसमें तोता है, इसमें तोता है, इसमें बंदर है। आप जूते को हाथ में ले रही हो, आप कैसी हरकतें करती? ओ छी गन्ना, गन्ना तो है ही नहीं, छोटू के चलता है जो गंदा हो जाएगा। ओ ओ ओ, ओ, ओ,
फिर से रोती हो, बेफालतू में रोती हो तुम तो। तुम तो बिना मतलब ही रोते हो। हाँ जी आज मैंने अपना थोड़ा सा ना हेयर मास्क लगाया था बालों पे, और अभी इनको कंघी कर लेती हूँ। जब मैं अपना बाल कट करवाने का बोलती हूँ ना, सभी लोग मुझे यही कमेंट करते हैं, दीदी आप अपने बाल मत कटवाना। तो देखिए, हर तरीके की चीज़ एक बार ट्राई करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। मुझे भी लगा हुआ है स्ट्रेट में, स्ट्रेट बालों और शोल्डर से थोड़ा सा नीचे हूँ उतनी, तो मैं एक बार तो देखे ज़रूर कराऊंगी। कोई बात नहीं है, छोटे हैं बढ़ जाएंगे, और अच्छे से केयर करूंगी फिर, तो जल्दी से ग्रोथ भी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जी अभी बनाने जा रही हूँ खाना, पहले वीडियो बनाया है और अभी खाना बनाऊंगी पहले, उसके बाद बाकी का काम करूँगी। बेटा उसे देखती रही एक बार फ़ोन को, फिर अपनी क्लास होगी कर दी उस पर। ठीक है, अभी पाखी जो है वो अपनी पढ़ाई कर रही थी, तो उससे मैं थोड़ी सी देर की, क्योंकि उसका कुछ काम ऐसा होता है जो उस पर आता है फ़ोन पे, तो उस पर से वो करती है, तो थोड़ी सी देर के लिए उससे फ़ोन लिया, दूसरे वाला वीडियो रिकॉर्ड की और उसको अपलोड किया, तब उसको दे के आई हूँ। वीडियो चला जाएगा फिर वो अपनी जो है उस पर पढ़ाई वढ़ाई कर लेगी। पाखी के स्कूल और पढ़ाई की वजह से ही हम शादी में नहीं जा पा रहे हैं, वरना 6 या 7 तारीख को हम जाते, 7 तारीख को तो जाते ही जाते। हाँ, बस पाखी के स्कूल की वजह से और उसकी वजह से, क्योंकि वो एक भी दिन की अपनी ना छुट्टी करने वाली है और ना मैं करवाने वाली हूँ, तो इसी वजह से हम नहीं जा रहे हैं। और काफ़ी मैंने कपड़े भी उसी हिसाब से लिए थे, क्योंकि यहाँ पे भी शादी है, यहाँ का भी काम हो जाता और हमारा वहाँ का भी काम हो जाता, दोनों का काम हो जाता शादी में कपड़ों का। पर मैडम ने, हमारी पाखी ने साफ साफ बोल दिया, मम्मी स्कूल नहीं, मतलब मैं एक दिन का भी मिस करूंगी, अभी आप देख लो शादी में चलना है या नहीं चलना है। भैया अब शादी हो, फंक्शन हो, कुछ भी हो, अब वो बच्चों के हिसाब से करना पड़ता है, अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकते हैं। तो मैं अब सगाई वाले दिन ही जाऊंगी, यानी कि 8 तारीख की सगाई है, तो मैं 8 को ही जाऊंगी, 9 की शादी करके 9 को ही वापस आऊंगी। 10 तारीख को पाखी का प्रोग्राम है जिसमें इसने पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो इसको वहाँ पर जाना है। ये 10 तारीख में फिर स्कूल जाएगी अपने, ये छुट्टी नहीं करेगी, क्योंकि मेरा फंक्शन है, मुझे पंजाबी डांस करना है, मेरा स्पोर्ट्स डे भी है, स्पोर्ट्स डे भी है, पंजाबी डांस भी करना है और पढ़ाई, क्योंकि एक दिन का भी अगर स्कूल मिस हो जाता है तो उसको फिर एक ही दिन की पढ़ाई को कवर करना बहुत मुश्किल होता है। इसी उस डर की वजह से ये लड़की ना छुट्टी करती है और ना कहीं जाती है। मैंने कहा चलो पढ़ाई में इंटरेस्ट है ना, ये बहुत बड़ी बात है कि इसका मन पढ़ाई में लगता है, ये अपनी पढ़ाई की वजह से कहीं नहीं जाती, ये सुन के भी और उससे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। बाकी की चीज़ें, शादी वगैरह सब कुछ करने के लिए भैया पूरी ज़िंदगी पड़ी है ना, ये ज़रूरी है। चलो फिर खाना बनाते हैं, अभी हम बना रहे हैं आज आलू और चने की सब्जी। फ़ोन को पकड़े पकड़े हाथ दुखने लगे, सब्जी छोंक लगा दूंगी और रोटी के लिए आटा बना के रख लूँगी, फिर बाकी का काम निपटाऊँगी। और मेरा मन हो रहा है एक कप चाय पीने का, पीऊँ कि नहीं, फिर भूख नहीं लगेगी। और आज मैंने अपने बालों पे हेयर मास्क लगाया था, तो थोड़ी सी ही केयर से ना अलग ही दिखता है। और आज मैंने अपने फेस पर स्क्रब भी किया है, मैंने कुछ भी फेशियल वगैरह नहीं कराया, शादी इतनी नज़दीक आ रही है, हुआ कुछ है नहीं अभी तक, पर देखते हैं। अब वो भी इनकी छुट्टी के ऊपर डिपेंड करता है, एक ही दिन मिलेगा संडे का, उस दिन मम्मी को बुलाऊंगी और मम्मी पापा जी को दोनों को बुलाऊंगी, वो यहीं पे रहेंगे घर पे ही, और मैं तब वो कराऊंगी, क्योंकि मंडे को मेरी एनिवर्सरी है, तो मंडे पे तो मम्मी पापा को और बच्चों को आना ही है, तो मंडे का भी हो जाएगा और संडे को ही मैं मम्मी को बुला लूंगी, तो ऐसा हमने सोचा है, आगे देखते हैं क्या होता है।
और ये जो सब्जी मैंने छोकी है और बात करते करते मैंने सब्जी छोकी है, मैं छोकने के बाद में सोच रही थी पता नहीं सारे मसाले गए भी हैं या नहीं भी। वन टू पेन की वो ना खोल दे, देख 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 मैडम पढ़ाई कर रही, पेन से पढ़ाई चल रही तुम्हारी। ओ या इसे कॉपी दो भाई, ये मन तो बस वो खोलना दे, ए ए ए इसे खोलना पता भाई साहब कितनी चालू हुई हो। मन तो खोल तो क्या बंद कर देना छीन के बेटा। हाँ नमस्ते, हाँ जी हाँ आ गया। हेलो नमस्ते, ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ, कैसा हंस रहे? हाँ जी सब बढ़िया। हाँ बस यो ही मत क्या करो, यो तो नहीं सोना पसंद नहीं है बस उसे। हाँ ना सोना ही नहीं है बस ना, मम्मी बना रही वो उसकी वीडियो बनाने लग रही थी, सब्जी छौंकने लग रही। पता नहीं मम्मी पूछना पड़ेगा। अरे नहीं उसमें आ जाइयो इतवार में, इतवार में आ जाइयो परसों को सवेरे सवेरे। सुमार की वो है शादी की सालगिरह। हाँ मुझे आओ 14 साल हो जाने तुम्हारे घर में। हाँ मम्मी 5 तारीख की है शायद। तो तुम इतवार में आ जाइए मम्मी, इतवार में मुझे वहां भी जाना है, अम्मा वाले भी। तो ये क्या परसों को चले जाओगे? नहीं मैं कह रही कल को शनिवार है ना, तो अंकल जी कल को आ जाएंगे। अब परसों को तुम आ जाइए, परसों को वापस चले जाओगे। आज क्या है? 3 है, कल को 4 है, परसों को 5 है। अच्छा हाँ मम्मी 6 तारीख है सोमवार की। तो मम्मी परसों को तो फिर भी आना पड़ेगा, सुबह को आके चाहे सांझ को वापस जाना हुई हो। तो फिर अच्छा इतवार की 5 तारीख जी, तो फिर हम 5 तारीख को, मैं तो सोमवार की सोच रही थी। नहीं मम्मी इतवार में इसलिए भी आना पड़ेगा रे। हाँ काम तो सारा बाढ़ को कपड़े दिए गए, और सवेरे को सोमवार में सवेरे को अपनी मोटरसाइकिल लेकर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, मैं पूछवा दूंगा अपने आप। रात को रुकने का ही तो रहेगा, तो रात को पापा जी को छोड़ आऊंगे मैं। खजूर वाली सिलवार? अच्छा पटियाली, पटियाली सिलवार। अच्छा ठीक है, तो अभी मैं कल कोई देखूं इन्हें भेजूंगी फिर। नहीं वही बनवा उसमें पहन लियो तो, 11 तारीख में। अरे ब्लाउज तो मम्मी हो जा रेडीमेड आ जाए ब्लाउज तो। मैं करूंगी थोड़ा मेकअप भी, दे बाल खोल के और ऊपर को कलेचर लगा के गले में सेट करा के। हाँ और आई हूँ, हाँ करवा, हाँ पापा जी से यही करेंगे बात।
पापा जी नमस्ते। हाँ पापा जी ठीक हो? ये कर रहे हैं बात, था से कर लो एक बार बात, फिर मैं कर लूंगी। क्या करती रहती हो तुम? यार है। सो गाइस अभी जो है ये कल का वीडियो था, ये तो मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के साथ अभी शेयर करने को, और जो भी वीडियो गया है ना ये कल का ही है। कल तक मतलब आप वीडियो में देख सकते हो, बहुत अच्छे से सारा वीडियो रिकॉर्ड किया, सब कुछ किया। और आज उनको बेटा एक मिनट, तो उनको आज जाना था अपना कोर्ट में वही काम से, पर टाइम का सच में कुछ भी पता नहीं चलता एकदम से क्या हो जाए। मैंने आप लोगों को शायद बताया हुआ भी है, मांटू है इनको दिखा दो, तो रोके बता दो कि मैं बहुत रोती हूँ, मैं बस पूरा दिन रोता रहता हूँ। कैसे बताओगे? और फिर जो है आज उनका अपना कोर्ट में जाने का था, जैसे रोज जाते हैं। रात करीब 11:30 का टाइम, 11:30-12 का टाइम हो रहा होगा, तो उस टाइम पे फ़ोन आता है। मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ भी है, जहाँ मेरा मायका है उसी के पास में कवाल जो है पड़ता है, तो वहाँ पे जो है इनकी प्रॉपर्टी थी, मकान था जो बाबा जी ने बनाया था, जो मेरे दादा ससुर ने बनाया था, तो वहाँ पे काफ़ी बड़ा मकान, मैं कई बार अपनी वीडियो में भी दिखा चुकी हूँ कितना ही बड़ा मकान बना हुआ था वहाँ पे, 2 मंजिल मकान बना हुआ था। वो जो जगह है उसको विवाद पत क्या बोलते हैं, मुझे सरकारी भाषा नहीं समझ में आती, मुझे नहीं पता उसको क्या जगह बोलेंगे। वहाँ पे बहुत सारी जो जगह है, बहुत सारे जो घर हैं वो सरकार के उसमें आ गए हैं, तो अभी तक ये भाग दौड़ कर रहे थे उस चीज़ को लेकर के। देखिए ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बिल्कुल ही सारी उससे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, पर ये कई दिनों से मतलब उस चक्कर में फिर रहे थे। इनको कम से कम 15-20 दिन हो गए हैं, हर तीसरे दिन का चक्कर मुजफ्फरनगर का लग रहा था। रात को जो एक और वहाँ पे मकान है जिनका, उनका फ़ोन आता है, उन्हीं के साथ में आते जाते हैं, ये वो दरोगा है, तो उनका फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे जो है आज तुम्हारे वाले प्लॉट पर भी, मकान पे भी बुलडोजर जो है वो चला दिया है, और वार्निंग दे करके गए हैं कि कल 10 बजे तक जो है ये तुड़वाना है। जी हाँ, वो मकान टूटेगा, वो जगह जो है वो सरकार के उसमें गई है, कुछ बच गई है तो, और उसका जो है वो मुआवजा भी नहीं मिला है। उस मुआवजे के लिए ये भागम भाग कर रहे थे कि चलो जगह तो देखिए जब रोड बन रहा है तो उसमें तो जाएगी, पर उसका जो है मुआवजा भी नहीं मिला है। बहुत बड़ी टेंशन है ये। वो जो प्रॉपर्टी थी वो कम से कम 35-40 लाख की प्रॉपर्टी थी, और अभी उसके जो है 10-12 लाख रुपए भी मिलने भारी हो रहे हैं। पता नहीं मिलेंगे भी वो या नहीं भी मिलेंगे। कल वहाँ पे बुलडोजर, दुकानों पे बुलडोजर जो है वो चला दिया था, और वार्निंग देके गए थे कि जो है ये कल 10 बजे तक जो है या तो आप तुड़वा लो, क्योंकि अगर खुद से तुड़वाएंगे ना तो ईंटें कामयाब हो जाएंगी, जो विंडो लगी हुई हैं, दरवाजे हैं, वो सब चीज़ें वहाँ की कामयाब हो जाएंगी। अगर और अगर वहाँ पे बुलडोजर चल गया तो फिर तो कुछ भी चीज़ें यूज़ में नहीं आएंगी, वो तो चूरा कर देंगे हर एक चीज़ का। और देखिए बहुत मोटा पैसा उस वहाँ पे लगा हुआ है जो बाबा जी ने लगाया था, क्योंकि वहाँ बाबा जी ने जो है उस पिलर लगाया हुआ था, आटा पीसने की चक्की लगाई हुई थी, बहुत सारी चीज़ें थी। टाइम का कोई भरोसा नहीं होता, और आज जो है वो सुबह सुबह फिर सुबह के आज 6 बजे के गए हुए हैं, वो सुबह 6 बजे चले गए थे। देखते हैं, अभी फ़ोन आया 1-2 बार बीच में, चांस बहुत कम लग रहे हैं, बहुत भारी नुकसान है। डिटेल में वो आपसे एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे, हम आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। फ़िलहाल तो वीडियो का एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में।